वेलकम दोस्तों। एक होता है लेजी मतलब आलसी एंड और एक होता है महा आलसी मतलब सुपर लेजी एंड मैं उन सुपर लेजी लोगों में से एक हूँ। दोस्तों मुझे कॉफी बनाने में भी आलस बनाता है। कॉफी बनाने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए, दूध चाहिए, चीनी चाहिए, कॉफी पाउडर चाहिए, बस कॉफी बन जाता है। लेकिन उसमें भी मुझको आलस बना आता है। एंड मेरे पास देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, पानी गर्म करने का जग है। तो लोग बोल सकते हैं कुछ नहीं, आप पानी गर्म कर लो, एक कप में मिल्क पाउडर डालो, कॉफी पाउडर डालो, चीनी डालो एंड गर्म पानी डालो, हो जाएगा। दोस्तों उसमें भी मुझको आलस आता है, इतना आलसी आदमी हूं मैं। सो मैं एंड मेरे जैसे लोग जो है उनके लिए प्रोडक्ट है एंड जिनके पास एकदम भी टाइम नहीं रहता है, बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, उनके लिए भी ये प्रोडक्ट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसको अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। सो कॉन्टिनेंटल की तरफ से मेरे पास आ गया है 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉफी। सो मेरे लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है कैपेचिनो, उसके बाद हेजलनट, उसके बाद कैरामेल, उसके बाद क्रीमी कॉफी एंड लास्ट में मोका। सो सारे हम लोग ट्राई करेंगे। बाय द वे मैं यहाँ पे जो कॉन्टिनेंटल का यहाँ पे देख सकते हैं जो हेजलनट है ये ग्रीन वाला, ये मैं ट्राई कर चुका हूँ, मेरे पास पैकेट है। 1 सेकेंड। सो मैं लास्ट कुछ दिन से ट्राई कर रहा हूँ ये हेजलनट, 4 पैकेट अभी भी बचा हुआ है। जो हेजलनट फ्लेवर है, फ्लेवर इज ओके, नॉट दैट ग्रेट बट क्वालिटी इज प्रीमियम। सो दोस्तों इस 5 में से हेजलनट तो मैं ट्राई कर लिया है, सोचता हूँ कि दूसरा कोई फ्लेवर आज ट्राई करके देखता हूँ। सो देखते हैं कौन सा ट्राई किया जाए। मैं सोच रहा हूँ आज थोड़ा कैरामेल ट्राई करके देखूं। सो यहाँ पे एक पैकेट निकालता हूँ एंड ट्राई करता हूँ। सो मेरे जैसे जो लोग हैं या फिर जिनके पास टाइम नहीं है उनके लिए परफेक्ट है। बस पाउडर को कप में डालो, गर्म पानी डालो, थोड़ा बहुत शेक करो, बस कॉफी रेडी। दोस्तों ये सारे कॉफी के पैकेट थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ एंड अभी पानी को थोड़ा गर्म कर लूंगा मैं। सो पानी गर्म होगा उसके बाद बाकी का मैं शो करता हूँ। ऑलरेडी गर्म होना चालू हो गया। धुआं भी आना स्टार्ट हो गया। सो पानी तो गर्म हो गया, अभी कैमरे का एंगल चेंज करके आपको आगे का वीडियो दिखाता हूं। सो पानी तो गर्म हो गया है, अभी बस ये जो पैकेट है इसको मैं यहां से फाड़ लूंगा। बस देखो अभी खाली है एंड खाली में ऐसा कॉफी पाउडर जो भी है प्रीमिक्स मैं डाल दूंगा यहाँ पे। ये जो है ये बहुत बड़ा वाला कप है तो इसको हम लोग आधा से थोड़ा ज्यादा भरेंगे, पूरा नहीं भरेंगे इसमें। यस, थोड़ा जो कैरामेल का स्मेल है वो हल्का हल्का आ रहा है यहाँ पे। एंड अभी वाटर मिक्स करना है, हॉट वाटर। ओके सो ये साइड से आपको दिखाएगा नहीं, ये साइड से। I guess this is enough and so दोस्तों कॉफी तो बन गया है, अभी बस चम्मच को इसमें से निकाल लूंगा। कॉफी थोड़ा सा गर्म है, थोड़ा सा टेस्ट करके देखूंगा। जो हेजलनट फ्लेवर है मुझको ज्यादा बेटर लगा था कैरामेल फ्लेवर से। यस, जो कैरामेल है उसका टेस्ट आ रहा है एंड जो गर्म है मेरे थोड़ा जीभ भी जल गया, मतलब ज्यादा गर्म मैंने पी लिया, बट
ओवरऑल ये जो प्रोडक्ट है दिस इज अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। हाँ, हेजलनट का टेस्ट बेटर था कैरामेल से, डेफिनेटली गुड। क्यों बोल सकता हूँ दोस्तों, मैं दूसरा जो ब्रांड है उसका भी मैं प्रीमिक्स कॉफी ऑर्डर किया था, मैं यूज करके देख चुका हूँ डिफरेंस कैसे करे दोस्तों। उसका जो डिटेल है मैं दूसरे वीडियो में जाऊंगा। इससे टेस्टी कॉफी भी मुझे मिला है, लेकिन उसका क्वालिटी से मुझे ये जो क्वालिटी है थोड़ा और अच्छा लगा है। दोस्तों आप चले जाओ आपके शहर के कोई अच्छे रेस्टोरेंट में जहां अच्छा पिज्जा मिलता है, दोस्तों वहां आपको पिज्जा खा के बहुत मजा आएगा, बहुत टेस्ट मिलेगा। दोस्तों फाइव स्टार में चले जाओ, आपको टेस्ट अच्छा मिलेगा, लेकिन शायद उस दुकान में जितना टेस्टी बनता है उतना टेस्टी नहीं है। बट फाइव स्टार में जो है वो क्वालिटी प्रोडक्ट यूज कर रहा है, उसका मान लो मतलब मैदा या फिर जो भी यूज कर रहे हैं वहां पे, या फिर दूसरे इंग्रेडिएंट्स जो भी यूज कर रहे हैं, बहुत सारे क्वालिटी प्रोडक्ट्स इसमें आपको दिखने को मिल जाएगा। अगर आपको उसका किचन में जाने का चांस मिले तो आप वो देख सकते हैं। कुछ सिमिलर ऐसा इसमें भी है दोस्तों, इससे अच्छा टेस्ट वाला मुझे प्रीमिक्स कॉफी मिला, बट एज पर मी इसका क्वालिटी बेटर है। दोस्तों मैं जब भी कॉलेज में था 2010 से पकड़ लो, तो उस टाइम पे क्या था, जब भी सेमिस्टर आता था ना दोस्तों, सेमिस्टर के टाइम पे उतना टाइम नहीं बचता था कि हम लोग दूसरा कुछ पे टाइम वेस्ट करें। उस टाइम पे बस पढ़ना था, क्योंकि पूरा साल तो पढ़ते नहीं थे, लास्ट का दो हफ्ता पढ़ना पड़ता था। सो उसके लिए उस टाइम पे थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करता था। एंड जो एग्जाम डेज था उसमें तो मेरा फिक्स था कि प्रीमिक्स कॉफी यूज करना है। पहला चीज, खाने में राइस में चावल नहीं, चावल से नींद आता है, यहाँ तक भी रोटी भी मैंने बंद कर दिया था। कैंटीन में जाता था, बोल देता था मेरे लिए तो चिकन पैटिस रख दो या फिर एक चिकन रोल एक चिकन पैटिस रख दो, ऐसा ही कुछ, ताकि नींद नहीं आना चाहिए। राइस से तो नींद आता है, रोटी से उतना नींद नहीं आता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे सब्जी वब्जी रहते थे, बहुत कुछ, सब कुछ अवॉइड करो, बस थोड़ा सा ही खाओ, टाइम बचाओ। एंड कॉफी में नॉर्मली मेरे रूम पे रहता था हमेशा कॉफी पाउडर रहता था, मिल्क पाउडर रहता था, ऐसा दूसरा केटल रहता था वो टाइम पे फिलिप्स का था, एंड शुगर भी रहता था, सो सब मिक्स करके कॉफी बना लेता था। बट वो एग्जाम के कुछ दिन कुछ मिनट भी बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। सो वो टाइम से मेरा प्रीमिक्स कॉफी खाना चालू हुआ एंड अभी तक चल रहा है। तभी चल रहा था बिकॉज टाइम नहीं था, एंड अभी चल रहा है बिकॉज अभी मैं आलसी बन चुका हूं। दोस्तों इस प्रोडक्ट का बेस्ट बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो बेस्ट बाय लिंक पे क्लिक करके सबसे अच्छे प्राइस में इसको परचेस कर सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे नए वीडियोस आने वाले हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा।